नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर बीजेपी खेमे की तरफ से। बीजेपी की पहली लिस्ट जो है उम्मीदवारों की, वो जारी जो है वो कर दी गई है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 150 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जो है वो किया गया है। पीएम मोदी सहित 34 केंद्रीय मंत्री जो हैं वो चुनाव जो हैं वो लड़ेंगे। दो पूर्व सीएम भी चुनाव लड़ेंगे, जिसमें कि 28 महिलाएं भी शामिल है। 50 से ज़्यादा कम उम्र के जो उम्मीदवार हैं उनकी संख्या है 47। शेड्यूल कास्ट के उम्मीदवारों की अगर संख्या की बात करें तो है 27, और एसटी की अगर बात करें तो 18, और ओबीसी उम्मीदवारों की संख्या है 57। और दो पूर्व मुख्यमंत्री जो कि इस बार चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के टिकट पर, वो है शिवराज सिंह चौहान और सर्वानंद सोनेवाल। अगर बात करें कि जो सीटों के उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया 195, उनमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, तो वो है बंगाल की 20 सीट, एमपी की 24, गुजरात की 15, राजस्थान की 15, केरला की 12, दिल्ली की 5, जम्मू कश्मीर की 2, उत्तराखंड की 3, अरुणाचल की 1। इसमें बिहार की कोई सीट नहीं है, यानी कि बिहार की सीटों पर अभी उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो नहीं हुआ। इसलिए भी नहीं हुआ होगा क्योंकि अभी यहाँ पर सीट शेयरिंग जो है बिहार एनडीए में अभी तक नहीं हुआ है। कुछ इम्पॉर्टेंट उम्मीदवारों पर अब हम देखते हैं कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो चुनाव जो है इस बार भी 2024 का लड़ेंगे। तो दिल्ली से टिकट जो है वो मनोज तिवारी को इस बार फिर से मिला है। परवीन खंडेवाल, बांसुरी स्वराज, श्रीमती कमलजीत सहरावत और रामवीर सिंह बिधूड़ी भी चुनाव लड़ेंगे। और बांसुरी स्वराज जो कि सुषमा स्वराज की बेटी हैं, वो भी चुनाव जो है वो लड़ेंगी इस बार। गृह मंत्री अमित शाह जो है वो गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। और देश के पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वाराणसी से ही चुनाव जो है वो लड़ने जो है वो जा रहे हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो मनोज तिवारी को छोड़कर सभी सीट जो है वो दिल्ली पर उम्मीदवारों का टिकट जो है वो कटा है। अगर झारखंड की तरफ रुख करते हैं तो गोड्डा से इस बार फिर बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे ही उम्मीदवार जो है वो होंगे। और खूंटी से अर्जुन मुंडा को टिकट जो है वो दिया गया है। मध्य प्रदेश की अगर इम्पोर्टेंट सीटों की अगर बात करें तो गुना से ज्योतिराज सिंधिया जो है वो चुनाव लड़ेंगे। ग्वालियर से भारत सिंह कुशवाहा जो है वो चुनाव लड़ेंगे। अगर राजस्थान से अगर बात करें तो बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल जो है चुनाव लड़ेंगे। और भूपेंद्र यादव जो है वो अलवर से चुनाव लड़ने जो है वो जा रहे हैं। गजेंद्र शेखावत जोधपुर से चुनाव लड़ेंगे। अब रुख करते हैं मुजफ्फरपुर की, कौन सी इंपॉर्टेंट सीटें हैं, कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीटें हैं जिस पर उम्मीदवारों का ऐलान जो है इस बार किया। हेमा मालिनी को मथुरा से टिकट दिया गया है, यानी कि फिर से टिकट उन्हें दिया गया है। हेमा मालिनी लड़ेंगी इस बार मथुरा से। लखनऊ से राजनाथ सिंह लड़ने जा रही है। और अमेठी से एक बार फिर से स्मृति ईरानी चुनाव जो हैं वो लड़ेंगी इस बार। और कन्नौज से सुवत्र पाठक जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिला कहें कि हेमा मालिनी, अजय मिश्रा, टोनी, संजीव बाल्यान, स्मृति ईरानी, रवि किशन, राजनाथ सिंह, पंकज चौधरी, महेंद्र सिंह पांडे, निरहुआ, सबको उत्तर प्रदेश से दोबारा टिकट जो है वो दिया गया है। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट ये दे दें कि बिहार के भोजपुरी सिने स्टार पवन सिंह को आसनसोल से टिकट जो है वो दिया गया है। मौजूदा वक्त में टीएमसी के सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से। आसनसोल बिहारी बाबू के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि आसनसोल सीट पर जो है एक बिहारी दूसरे बिहारी के खिलाफ चुनाव जो है वो लड़ेगा। पहली लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई। कुल 165 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया गया है। कईयों के पत्ते कटे हैं तो कई नए नाम इस बार जो जुड़े हैं। सुषमा स्वराज की बेटी भी अब चुनावी रण में उतरने जा रही हैं। पवन सिंह जो कि हैं वो भी चुनाव लड़ेंगे इस बार। और ख़ासकर भोजपुरी सितारों पर कहीं ना कहीं बीजेपी मेहरबान इस बार भी दिखी है जो है जिनको चुनाव लड़ना था, जो मौजूदा सांसद हैं उनमें से किसी की भोजपुरी सितारे का टिकट नहीं कटा है और एक और सितारा उसमें जुड़ गया है, वो है पवन सिंह। फिलहाल अब तक इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।